नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत है समाचार। मांझियाव से संवाददाता अनुप कुमार सिंह की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र में होली पर्व एवं रामनवमी त्यौहार को लेकर गुरुवार को थाना परिसर में शांति समिति की बैठक नगर अध्यक्ष सुमित्रा देवी की अध्यक्षता व पुलिस निरीक्षक हरिकिशोर मंडल, प्रखंड विकास पदाधिकारी अमरेन डांग, अंचलाधिकारी राकेश सहाय एवं थाना प्रभारी विनय कुमार की मौजूदगी में की गई, जहां पर प्रखंड क्षेत्र के दोनों समुदाय के दर्जनों लोग उपस्थित हुए हैं। पुलिस अधीक्षक हरिकिशोर मंडल ने कहा कि होली पर्व चुनाव को लेकर लगाई गई आदर्श आचार संहिता के नियमों का पालन करते हुए शांतिपूर्ण एवं भाईचारगी वातावरण में मनाएं। होली पर्व का भी विशेषता बताएं और लोगों को कहा कि रामनवमी में भी शांति से मनाया जाए। वहीं अंचलाधिकारी राकेश सहाय ने इसके लिए आप लोगों पर मेरा पूर्ण विश्वास है। मौके पर थाना प्रभारी विनय कुमार, नगर पंचायत उपाध्यक्ष सुनीता देवी, जिला परिषद प्रतिनिधि आशीष कुमार दुबे, डॉक्टर नियाज अहमद, राहगीर राम, भूतपूर्व मुखिया शेख अमरुद्दीन, अशोक कमलापुरी, शेख शकील अहमद, खुर्शीद आलम, सतेंद्र सिंह, मुन्ना सिंह, उदय साहा, विवेक सोनी, पवन कुमार, राजेंद्र मेहता, फियाज अहमद, जियाउल खान, मुख्तार खान, मुमताज खान आदि लोग भी उपस्थित थे। मांझियाव प्रखंड के खरसोता गांव में गायत्री यज्ञ समिति द्वारा आयोजित शक्ति सर्वर्धित नौ कुंडीय गायत्री महायज्ञ के चौथे दिन भी लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इस अवसर पर प्रवचन करते हुए परिवारजक यज्ञाचार्य रमेश दुबे ने कहा कि भक्त सदा ही अपने भगवान पे समाया होता है, उसकी चेतना हमेशा ही भगवान में अंतर्लीन में विलीन रहती है, तभी तो वह सर्वदा भगवान से एकाकार रहता है। भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता। श्री दुबे ने कहा कि भगवान भक्त एवं प्रेम के वश में रहते हैं, भक्त के रोम रोम में बसे हुए हैं। इन्होंने कहा कि दो ऐसे महत्वपूर्ण कर्म कांड है गायत्री अनुष्ठान एवं रुद्राभिषेक, जो अंतरिक्ष में बहने वाली एक विशिष्ट शक्ति धारा से संपर्क करा देते हैं और उनके प्रभाव से जीवन में दुर्घटना एवं बीमारी के निवारण के साथ साथ मानसिक शांति एवं संतोष प्राप्त होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह के धार्मिक अनुष्ठान से क्षेत्र में शांति आएगी। मौके पर उप प्रमुख विनोद यादव, ललन यादव, राजेश्वर राम, दया प्रसाद, सुरेंद्र चौधरी सहित काफी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित थे। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, खांसी हो गया है डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब एगो सिरप लिख देते हैं, एगो टेबलेट लिख देते हैं और कुछ परहेज बताते हैं कि आप दही मत खाइएगा, केला मत खाइएगा, आइसक्रीम मत खाइएगा, फ्रिज के पानी मत पीजिएगा। तो नहीं नहीं, हम तो फ्रिज के पानी भी पिएंगे, आइसक्रीम भी खाएंगे, दही भी खाएंगे, केला भी खाएंगे, डॉक्टर का दवाई भी खाएंगे और जब फायदा नहीं करेगा तो डॉक्टर को गाली भी देंगे। वही हालत पूजा में हो गया है ना, कि पूजा भी करेंगे, व्रत भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, दान भी करेंगे और फायदा नहीं मिलेगा तो पंडित जी को भी गाली देंगे, भगवान को भी गाली देंगे और पूजा के साथ पंडित जी जो शर्त बताए थे, जो परहेज बताए थे, वो मन में नहीं करेंगे। इसका भी चाहे किसी भी देवी देवता का पूजा करते हो भाइयों बहनो, सभी देवताओं का पूजा के साथ कुछ शर्त होता है, कुछ परहेज होता है, उसको जब तक हम जीवन में नहीं अपनाएंगे मर जाएंगे पूजा करते करते, उसका लाभ मिलने वाला नहीं है। तो लोग कहते हैं कि नहीं, गायत्री माता का पूजा करने वाले को मांस नहीं खाना पड़ता है, इसलिए उस पूजा में जाएंगे ही नहीं ना। तो हम पूछते हैं कि शंकर भगवान के पूजा करने वाले को मांस खाना चाहिए, ये कहां लिखा हुआ है? हनुमान जी बजरंग बली का पूजा। धन्यवाद।